आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बिटकॉइन क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, तेजी से बढ़ती कीमत के कारण आज बिटकॉइन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये मुद्रा है क्या। 2009 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसकी कीमत 15 पैसे थी, लेकिन आज बिटकॉइन की कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर जा चुकी है। कुछ दिन पहले ये 13 लाख रुपए के पार चला गया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के नाम से मशहूर बिटकॉइन क्या है और कैसे इससे लेन देन होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, इसे डिजिटल वॉलेट में रखकर ही लेन देन किया जा सकता है। इसे 2009 में एक अनजान इंसान ने एलियस सतोशी नाकामोटो के नाम से क्रिएट किया था। इसके जरिए बिना बैंक को माध्यम बनाए लेन देन किया जा सकता है। हालांकि भारत में इस मुद्रा को ना तो आधिकारिक अनुमति है और ना इसे रेगुलेट करने का कोई नियम बना है। तो अभी हाल फिलहाल अभी कितने बिटकॉइन चलन में है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। CNBC और अन्य के रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में केवल 2.10 करोड़ बिटकॉइन मौजूद है और उनमें से अभी 1.20 करोड़ से ज़्यादा बिटकॉइन की माइनिंग हो चुकी है, यानी कि इस वक्त इतने बिटकॉइन चलन में है। सबसे पहले बिटकॉइन की खरीदी मतलब कैसे हुई थी, मतलब जो लेन देन हुआ था। भले ही बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा है लेकिन इनसे कई फिजिकल चीज़ें खरीद सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिटकॉइन से जिस चीज़ को सबसे पहले खरीदा गया था वह थी पिज़्ज़ा। इस खरीद में 10,000 बिटकॉइन खर्च किए गए थे। अब ये बिटकॉइन हासिल कैसे होते हैं? बिटकॉइन हासिल करने के 3 तरीके हैं। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो फ्री बिटकॉइन ऑफर करती है। इसके लिए आपको कुछ टास्क को पूरा करना होता है और उसके बदले में आपको बिटकॉइंस मिलते हैं। इसके अलावा कैश के बदले या फिर किसी सामान के बदले भी बिटकॉइन हासिल होते हैं। जिन देशों में बिटकॉइन लीगल है वहाँ आप कैश के बदले बिटकॉइन देने वाले सेलर या सामान के पेमेंट के रूप में बिटकॉइन हासिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है बिटकॉइन के माइनिंग। अभी बिटकॉइन माइनिंग क्या है? बिटकॉइन माइनिंग का अर्थ है नए बिटकॉइन जनरेट करना या चलन में लाना। NBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन में किए गए ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई किए जाते हैं, उसके लिए उन्हें एक पब्लिक अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इसमें बिटकॉइन में लेन देन करने वाले दुनिया के हर इंसान को ट्रांजेक्शन्स ऐड रहता है। ब्लॉकचेन पर एक पैडलॉक होता है जिसे एक डिजिटल की से ही खोला जा सकता है। उस की को हासिल करने के लिए आपको बॉक्स ओपन होता है और ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाता है, तब आपको नए 25 बिटकॉइन हासिल होते हैं। अब बिटकॉइन को खो जाने के बाद क्या होता है? फैक्ट साइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन एक डिजिटल वॉलेट में सेव होते हैं और इनकी एक डिजिटल की होती है, की मतलब चाबी। अगर आपसे खो जाती है तो वॉलेट भी खो जाता है, यानी कि आप अपने कमाए हुए बिटकॉइन गंवा देते हैं। साथ ही कोई और भी इस बिटकॉइन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि ये सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं। अब बिटकॉइन वॉलेट कैसे हासिल होता है? ऐसे कई साइट्स हैं जो बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी के लिए वॉलेट उपलब्ध करवाती है, जैसे ब्लॉकचेन और कॉइनबेस। इन साइट्स पर बिटकॉइन के लिए वॉलेट भी उपलब्ध है। इसके अलावा स्मार्टफोन के लिए बिटकॉइन वॉलेट के ऐप्स भी मौजूद हैं। अभी बिटकॉइन में लेन देन करने वाले को ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप बिटकॉइन में लेन देन करते हैं तो आपके नाम या पहचान का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल एक बिटकॉइन एड्रेस होता है जिसके जरिए सभी ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रहता है। हालांकि एक 34 अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर वाला एड्रेस होता है जिसके जरिए लेन देन करने वालों का पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। अभी बिटकॉइन को भुनाते कैसे हैं? क्रिप्टो करेंसी हेल्प
com के मुताबिक अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे कई देश ऐसे हैं जहां बिटकॉइन के बदले कैश या फिर बिटकॉइन की कीमत के हिसाब से पैसे आपके डेबिट कार्ड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके बदले आप किसी को भी कैश के बदले बिटकॉइन दे सकते हैं, और साथ ही जिन देशों में ऑनलाइन बिटकॉइन एक्सचेंज मौजूद है और ये लीगल है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिटकॉइन की बिक्री की जा सकती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।